क्या इस बात की खुशी हो रही? अवार्ड ऋषि को मिला है और तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि तुझे अवार्ड मिला है। मैम आपको तो खुश होना चाहिए कि चक्स की सक्सेस स्टोरी में एक और चांद लग गया, पर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और वो चांद किसकी वजह से लगा? तेरे डैड की वजह से। कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार भी तेरे चक्स ने उन्हें क्रेडिट दिया? एक बार भी? दिव्या क्या पट्टी पढ़ा रही है उसको तुम? कोई जो तुम नहीं पढ़ सके, सच्चाई की पट्टी। निकल बेटा तुम बाहर जाओ। और तुम कान खोल के मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें किसी बात से प्रॉब्लम है तो तुम अभी इसी वक्त जा सकती हो। लेकिन आज के बाद मैं ऋषि के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। इज दैट क्लियर? युवराज मेरी बात को सुनो। ये तो किस्मत ही खराब। युवराज को तो इस घर के नौकर बन के रहने की आदत पड़ गई, और जिसकी औकात नौकरों जैसी उस घर की मालकिन बनी बैठी। डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए कि बस सब देखते ही रह जाएं, लेकिन ये सब कुछ 8 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे गेस्ट 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। ऋषि का मैनेजर मिस्टर वरुण शर्मा, प्लीज आइए ना। यस मैम, थैंक यू। कांग्रेट्स मैम, सर को बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आज रात की पार्टी के लिए आपने ऋषि के सारे बिजनेस एसोसिएट्स को इन्वाइट कर लिया है। यस मैम। पार्टी? हाँ भीजी, पार्टी। आप एक काम कीजिए, आज की इस पार्टी में आप पूरब और मलाइका को भी इनवाइट कीजिए प्लीज। डेकोरेटर्स आ गए, आई एम गोना गेट वेरी बिजी नाउ। आप प्लीज उनको जल्दी से इनविटेशन भेज दीजिए, और आप भी टाइम पे आ जाइएगा प्लीज। जी मैम, थैंक यू। चल एक बात सुन मेरी। तनु की हो गया? पहले तो तूने ये पार्टी दी, अब ऋषि को पता नहीं चलेगा कि तू उसके लिए कितनी खुश है। अरे बीजी, तो खुश होने वाली बात है ना, मेरे पति को अवार्ड मिल रहा है। और ये पार्टी तो बहुत छोटी सी बात है, अगर मैं इस मेम साहब वाले गेटअप में नहीं होती ना, तो मैं ऋषि को कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाती, डेट पे लेके जाती। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। फिर तो कहीं दीप जलते और कहीं दिल जलते। दिल जलते नहीं, दिल मिलते। तू ना चल्ली की चल्ली है, हमेशा से थी। लेकिन आप क्यों टेंशन ले रही? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं ऋषि को तो क्या, किसी और को भी कानो कान खबर नहीं लगने दूंगी कि मैं ये पार्टी उसकी जीत में दे रही हूँ, प्यार की पार्टी। पर जरा बच के रहना, बार बार हम दुश्मनों की नजरों से बच नहीं सकते। वैसे भी तूने अपने 2 दुश्मनों को क्यों बुलाया है? ये खसमानो खानी मलाइका और वो होते द पुत्र पूरब। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरब को इस बात का एहसास हो जाए कि बेदी एंटरप्राइजेस के बिजनेस को अगर कोई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है तो वो सिर्फ ऋषि है। मैं चाहती हूँ पूरब को इस बात का एहसास हो जाए कि उसे बेदियों का नाम तो मिल सकता है लेकिन कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि वो इसके लायक ही नहीं। बेदियों की शान सिर्फ ऋषि सिंह बेदी है, मेरा पति। What? ऋषि को क्या मिला? और तुम चाहते हो कि मैं, Are you mad? आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझे तुम? Can you believe this? ऋषि के अवार्ड विनिंग पार्टी में तनुजा ने मुझे इनवाइट किया। Isn't it obvious कि वो मुझे उस पार्टी में बुला के मेरी इंसल्ट करना चाहती है? No ways. I'm not going. Let's go. मैं अभी शेखर से मिलकर आ रही हूँ और हमारा प्लान ऑन हो चुका है। तो आज उस पार्टी में आखिरी बार दिखेगी वो तनुजा, तो तुम भी उसे आखिरी बार देख लेना ना, जिंदा जिंदा। यस, शेखर ने उस आदमी से बात कर ली है और वो तैयार है। अब बस किसी भी तरीके से मुझे उस आदमी की ऋषि के घर में एंट्री करवानी है, और उसके बाद जो भी होगा वो एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा।
मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता है कि तनुजा के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, तो फिर दूसरों से क्यों सुनना? हमेशा मरते रहते हो हाँ कि कोई बोले कि तनुजा आपके लिए फील करती है। आप ही बताओ, अगर तनुजा आपके लिए फील नहीं करती ना, तो बाहर जो डेकोरेशन हो रहा है वो क्यों करती इतना डेकोरेशन? जैसे उसको अवार्ड मिला, अवार्ड तो आपको मिला है ना ऋषि भाई। सच्ची? हाँ मुच्ची, क्या बात कर रहा है यार। हाँ भाई, मतलब मुझ पे खर्चा कर रही है। दिन में 50 बोलती है, मैं एक फूटी कौड़ी खर्चा नहीं करूंगी। ये कैसे हो गया यार? मरते आप पे। सुनिए, सुबह से 3 बार आपको बोल चुकी हूँ, ऋषि सिंह बेदी का सिंह, सिंह का अल्फाबेट एस नीचे गिर रहा है, उसको ठीक कर दो। लेकिन नहीं, अभी तक ठीक ही नहीं किया। अब शक्ल क्या देख रहे हैं, ठीक करिए ना, मेहमानों के आने का टाइम होने वाला है। अब मैं करता हूँ। एक काम करिए, आप हटिए, मैं खुद ही अपने पति का सिंह मतलब एस ठीक कर लूंगी। आप जाके बाकी के डेकोरेशन चेक करिए, जाइए। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। ऐसे ऐसे देख रहे हो जैसे 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 बाबा जी का टुल्लू। वैसे काइंड इंफॉर्मेशन, कल इसी बाबा जी ने तुमसे कहा था कि अगर तुम गिरोगी तो तुम्हें ये पकड़ेगा नहीं, पर देखो आज तुम गिरी और फिर इसी बाबा जी के ठुल्लू ने तुम्हें पकड़ लिया। पता है क्यों? क्योंकि तुम भी मेरी खुशी में बहुत खुश हो। ये जो सजावट, तुम भी तो जश्न मना रहे हो, मिसेस तनुजा ऋषि सिंह बेदी। वैसे तनुजा मैडम, जितनी कोशिश करनी है आप कर लीजिए, प्यार छिपाई नहीं छिपता। तुम क्यों छिपा रही हो? मिस्टर हस्बैंड, जो बरिस्तम तो तुम हो, छुपाते हो तुम, मैं कुछ नहीं छुपाती। और ये सब जो कुछ मैं कर रही हूँ वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रही हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज, मेरे वर्कर्स, मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा काम करता है। वैसे भी अभी हमारी कंपनी को नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो मैं तो बस मार्केट में अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहती हूँ। यू नो, मैं चाहती हूँ तनुजा सिंह बेदी ऊँचाइयाँ छुए और ऊँची जाए। और ऊंची? और ऊंची नीचे? आउच, आउच, लग गए। आउच, क्यों गिराया? तुम मेरे काम से बहुत खुश होगी, पर मैं तुमसे खुश नहीं हूं, क्योंकि तुम खड़ूस हो, एक खड़ूस बॉस। गुस्से में भी कितना क्यूट लगता है मेरा मिस्टर हस्बैंड। तनुजा सिंह बेदी, शेखर साहब ने अपने छोटे भाई को काम पर रखा था, लेकिन इसके पति ने शेखर साहब का काम बर्बाद कर दिया। बोले तो अपने छोटे भाई का काम खल्लास। तो ऋषि तुम्हारा भी दुश्मन हुआ और ये लड़की तनुजा भी, इसी के कहने पर ऋषि ने शेखर की कंपनी को बर्बाद किया था।
पार्टी कब है? आज रात को। तुम पार्टी में नहीं जा सकती हो। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? और तुम अपने बॉस का रास्ता रोकोगे? मैं अपनी बीवी को। ये जो घर की सजावट देख रही है ना, कितना भी घूर घूर के देख ले वो ऐप नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि ये सजावट ही इतनी सुंदर है। हाँ बीजी, वो तो है, क्योंकि ये जो सजावट की है ना, वो मेरे लोगों ने की है और पैसे भी मेरे हैं। गई भैंस पानी में लेकिन गोरी होके नहीं निकली। क्या बोली आप? क्या बोली आप? मैं क्या बोली? बोली देख रही हूँ बीजी मैं आपको आज। कुछ ज्यादा ही तनुजा की साइड ले रही है। बहुत खुश है, बहुत खुश है ना आप? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे लाडले पोते ऋषि के लिए। क्यों, तू खुश नहीं है? अरे आज उसकी तरक्की की, उसकी जीत की पार्टी है और तू उसकी खुशी मनाने के बजाय तनुजा के बारे में सोच रही है। पाने से कोई फायदा नहीं, जो है सबके सामने है। वो हो, क्या बात है मलाइका, तुम यहाँ? मुझे तनुजा के मैनेजर का फोन आया और उसने कहा कि हम दोनों को साथ में इस पार्टी में आना है, तो हम लोग आ गए। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। हाँ, तुम दोनों नहीं, तनुजा, क्योंकि तनुजा अच्छी तरीके से जानती है कि तुम दोनों ऋषि भाई की सक्सेस से जलते हो, तभी तो तुम दोनों को यहाँ बुलाया ऋषि भाई की सक्सेस का शोकेस दिखाने के लिए। तुम लोगों की लाख कोशिश करने के बाद, लाख काटे बिछाने के बावजूद और टॉप पे पहुंच गए, आज अवार्ड मिल रहा है, देखो क्यों पूरा। कुछ भी बकवास करने से पहले ये मत भूलो कि मैं भी इसी घर का बेटा हूँ। तमीज से बात करो वरना। तमीज, मिस्टर पूरब, मेरे पति को धमकी देने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज तक जिसने भी दिए ना, मैंने उन सबका मुंह तोड़ दिया। ये इंडियन लड़कियों ने मारपीट के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हाँ, ये इंडिया है। और पता है क्या इंडियन लड़कियों की क्या खासियत है? उनसे प्यार करो, उनकी इज्जत करो ना, तो वो तुम्हारी हीरे बन के रहेगी। पर अगर थोड़ी सी भी बदतमीजी की या थोड़ी अक्कड़ दिखाई तो चंडिका बन के दिन में तारे दिखा देगी। कम ऑन आहाना, तुम गाँव की गवार लड़कियाँ यही सुन सुन के बड़ी होती है ना। हाँ, पर ना तुम हम लड़कियों को नहीं समझ पाओ, पता है क्यों? क्योंकि तुम तो लड़की हो ही नहीं। एक लड़की वो होती है जो अपने पिता का गुरूर हो, अपनी माँ की लाज हो, अपने पति का मान। पर तुम तो रोज बदलती। लड़के, पहले तुम ऋषि के पीछे थी, फिर शेखर से चिपकी और अब ये पूरा। जो भी लड़का तुम्हारी लाइफ में आता है तुम्हें छोड़ के चला जाता है, तुम्हारा जोक बना के चला जाता है, है ना पूरा? जस्ट शट अप। ओके, इनविटेशन मिला है इसीलिए आए, तुम लोगों के मुंह लगने नहीं आए। वैसे जिसने इनवाइट किया है वो कहाँ है? ऋषि और तनुजा बुलाओ ने। मुझे पता है तुम बहुत नाराज हो मुझसे, पर कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूं तुम्हारे लिए। मुझे पता है ये मेरी खुशी से खुश नहीं है, बस पार्टी करके दिखावा कर रही है। एक मिनट। हाँ, आधा मिनट भी नहीं रुकूंगी। अरे तनुजा, तनुजा, अरे
आप लोग जाके पार्टी एंजॉय कीजिए ना, हम बाद में मिलते हैं ना, प्लीज विल सी यू सून। जाइए जाइए जाइए, मैं बात कर रही हूं। अरे बाद में करेंगे ना बात। तनुजा तुम पार्टी में नहीं जा सकती हो। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? और तुम अपने बॉस का रास्ता रोकोगे? मैं अपनी बीवी को क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। फाइनली तुम्हें दिख गया, कब से बोल रहा हूँ यार। दिख गया क्या? दिख गया क्या? वो तुम्हारी ड्रेस। मेरी ड्रेस क्यों? तुम्हें अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर वो पर क्या वो दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तुम्हारा ज़िप नीचे है। सिर्फ हेलो जॉन, जाओ पार्टी में। पहले नहीं बता सकते थे? अरे कब से बताने की कोशिश करो, जब से मैं देखा है। देखा क्या? देखा? अरे मैं देखा वो तुम उधर देखो, दीवार की तरफ देखो तुम। दीवार क्या देख रहे हो? मेरी हेल्प करो ना। पर सिर बंद करना, देखना मत। अब तुम मेरी आंखों में देखो। आंखों में? तुम तो आगे खड़ी हो, तो आंखों में कैसे देख? मिरर से देखो, मिरर से। मिरर से जिप नहीं मिल रहा, तो मैं मतलब जिप खोज रहा हूँ। क्या मैं देख के कर सकता हूँ? पर बुरी नजर से मत देखना। बुरी नजर? नजर तो एक ही है मेरी, नहीं मतलब नजर में एक ही चीज बसी है, वो अभी ये जिप बसी है। जिप को मैं सिर्फ जिप को देखूंगा। मिस्टर हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करते कि पूरी दुनिया से मुझे बचा लेना चाहते। खोट कहता है कि 6 महीने बाद हम अलग हो जाएंगे, हमारा डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन मैं कहती हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। इस जन्म तो क्या, मैं हर जन्म अपने मिस्टर हस्बैंड की मिसेस वाइफ बन के आऊंगी। ओ डैम इट, ये सिर्फ बंद क्यों नहीं हो रही? थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Okay. Rishi, हाँ। मेरी छोटी सी हेल्प करोगे प्लीज? छोटी मोटी लंबी सब करूंगा, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ। अब वो लगा दो। लगा दो? I mean, मेरी zip लगा दो। Zip लगा दो, हाँ। Come on, start. Start तो ऐसे बोले जैसे कुछ जंग शुरू होनी है। एक मिनट। Okay. जी सर। मैडम की जिप ऊपर कर दो। चलो अब। ये ऊपर कर देंगे जिप। रियली? हाँ रियली। आई हेट यू। ओके थैंक यू, आप ये थोड़ा कर दीजिए। मैम आपकी जिप। शट अप, जाओ और अपना काम करो।
क्या किया? जूजे ने छिपकली को इशारा किया, ये छिपकली ही विभीषण है। बीजी किस? बीजी आपको ना अकेले में अपने आप से बात करने की बीमारी लग गई है। अरे बीमारी मुझे नहीं, इस छिपकली को लगी है। यही हमारे घर की विभीषण है। तुझे पता है जो पूरा पहना, ये उसे आंखें घुमा घुमा के इशारे कर रहा था। यकीन नहीं हो रहा ना? तू ना पूरा पहना सर, देख तुझे खुद ही पता चल जाएगा। हाँ देख देख देख, फिर से इशारा कर रहा है आंखों के। देखा बीजी, आपको ना गलत फहमी हुई है। पूरब इतना चल्ला थोड़ी है, मतलब सबके सामने करके बीबी को ऐसे इशारे थोड़े करेगा। नहीं हो सकता है, उसे शक पड़ गया हो कि मैं उस पर नजर रखी हुई हूँ, इसलिए दिखाने के लिए हम दोनों को वो तनुजा को इशारे कर रहा है। हाँ excuse us. Mr. Rishi, congratulations. Thank you. One minute. क्यों? तूने मलाइका को देखा पार्टी में? क्यों? यार वो पूरब के साथ है। मैंने उसे और पूरब को दोनों को साथ में देखा। I can't believe यार, वो पूरब के साथ कैसे हो सकती है? मतलब उसके और पूरब के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब Rishi, मुझे डेटिंग वाला चक्कर लग रहा है। डेटिंग? देखना। ठीक 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 कैसे एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हैं, ये पक्का डेटिंग वाला कनेक्शन। मतलब बात यहां तक पहुंच गई, अनबिलीवेबल। शिव तू कुछ नहीं जानता कि यहां क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तुझे कोई आइडिया नहीं। लोग दिखते कुछ हैं और दिखाते कुछ है। Yeah, anyway, enjoy the party. It's your day. तूने ऋषि की कामयाबी के लिए जो पार्टी रखी है ना, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी ऑल, हाय। हे गाइस, अटेंशन प्लीज, सब लोग इधर आ जाएं। इस साइड राकुल, बीजी मॉम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरे ऋषि सिंह बेदी, मेरे भाई की सक्सेस पार्टी में यहां पे आए। सो थैंक यू सो मच। बाय द वे, यहां पे कुछ लोग हैं जो मेरे ऋषि भाई की कामयाबी से जलते हैं
और उन्होंने बहुत ज्यादा कांटे बिछाए थे उनके रास्ते में, लेकिन बोलते हैं ना कि जिसको कामयाब होना होता है, आगे बढ़ना होता है, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जिसको चलना होता है वो लोग हमेशा चलते ही रहते हैं। भाई ने मेहनत की और इसका उनको सिला मिला। अरे अवार्ड मिला यार मेरे ऋषि भाई को, सो गिव हिम अ बिग हैंड, ऋषि सिंह बेदे। थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जितनी तारीफ मनप्रीत ने की है मुझे पता नहीं मैं उतना काबिल हूं या नहीं, पर हाँ एक बात मैं जानता हूं कि अगर किसी को कोई भी अवार्ड या रिकग्निशन मिलता है तो उसके पीछे कई लोगों की दुआएं होती हैं, कई लोगों का योगदान होता है, कई लोगों का साथ होता है, एक पूरा टीम एफर्ट होता है। वेल इन माय केस मेरे दो प्रा, मेरे भाई छोटा मनप्रीत, थैंक यू, और स्पेशली यूवी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो आई लव यू बोथ अ लॉट, कम गिव मी अ हग, थैंक यू सो मच, आई लव यू बोथ, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड प्लीज एंजॉय द पार्टी। यार ओ गुड मैन दी लालटेन, यार बड़ी प्यास लगी है, कोई ठंडा शंडा लेके आ मेरे लिए, कोल्ड ड्रिंक। चलिए ऑलराइट सर। अरे दूर के सुनने वाली हूँ,
ऋषि ने तनुजा के कान में क्या कहा होगा? शायद आई लव यू। यूं आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मैंने ये परमिट सिर्फ अपनी रानो को दिया है, तुझे नहीं, समझी? विभीषण गई थी। रानो आंटी, ना हूज इज विभीषण? ये विभीषण कौन है? कोई भी आकर के तुझे कुछ भी कह के चला जाता है। और देख, प्लीज तू कुछ कर, कुछ जादू कर ऋषि पर, कुछ कर। मैं कुछ नहीं करने वाली, बिकॉज़ ऋषि हेट्स मी। और ये बात मुझे क्लियरली पता चल चुकी। आपको पता है क्या किया उसने आज मेरे साथ? क्या? मेरी जिप लगा दो। जिप लगा दो। हाँ। अब ये ऊपर कर देंगे जिप। ऋषि ने तेरे साथ ऐसा किया? हाँ। देख रहे हो, मतलब सबके सामने अटैक करने वाले हो? नहीं, तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे थैंक यू क्यों बोला? सी, मन किया तो चलते चलते बोल दिया। ऐसे ही मन किया तो चलते चलते बोल दिया, मतलब यू डिडंट मीन इट। देखो, किसी बात पे गुस्सा होना तो डायरेक्टली बोलो। कोई गुस्सा नहीं है। नहीं हो? वेरी वेरी गुड, तो भी ठीक है, मैं पार्टी एंजॉय कर लेता हूँ, वैसे पार्टी बहुत अच्छी। आई विल गो। एक मिनट, एक बात बताओ, तुम मलाइका को इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे? घूर घूर के देख रहे थे मतलब? देखो, पहली बात, तुम मुझे अपने आसपास आने नहीं देती, है ना? नहीं, आनो तो बहुत दूर की बात, तुम मुझे अपने आप को घूरने नहीं देती, मतलब देखने नहीं देती। और अगर मैं किसी और को देखूं तो मैं जिससे मन चाहे देखूंगा, जहां चाहे देखूंगा, मेरा मन। हाँ ठीक है, जिसको जहां देखना है जितना देखना है देखो। आई डोंट केयर। गुड। या आई बेटर गो। मैंने कहा था ना कि किसी को दिखाई मत देना, पर जहां देखो तुम ही तुम दिख रहे हो। मलाइका, आर यू श्योर कि ये आदमी हमारा काम कर सकता है? अब तक एक लड़की को तो शूट नहीं कर सका। मुझे तो लगता है कि ये यहां वेटर बनने की ट्रेनिंग लेने आया है। आपको मेरा निशाना मालूम नहीं है साहब? बोलो तो टपका के दिखाऊं? नहीं नहीं अमरीश, तुम अपना निशाना उसी लड़की पर लगाना, तनुजा पर। अरे, पैसे देने वाले को कोई टपकाता है क्या? ये साहब हैं तुम्हारे। मार डालूंगा, बस थोड़ा टाइम और दे दो, मां कसम टपका डालूंगा। तनुजा सिंह बेदी की ये रात आखिरी रात होगी। शेखर ने बताया था कि ये थोड़ा साइको है, और आज तनुजा इसी साइको के हाथों मरेगी। अकेले अकेले क्यों खड़े हो? अरे चलो ना, ड्रिंक शिंक करते हैं, अरे पार्टी शार्टी करते हैं, लड़कों वाली, चलो 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 चलो। मुझे लड़का तन जाके पीछे खड़ा, उससे बोल मुझे उससे बात करनी है। कौन वो ब्लैक जैकेट? बुला के आना। बाय ब्लर। आपने बुलाया?
तुम जिसे घूर घूर कर देख रहे हो ना, वो फॉर्चुनेटली मेरी बीवी है, मिसेस तनुजा ऋषि सिंह बेदी। मैं जानता हूँ सर, लेकिन मैं उस नजर से नहीं देखा। नजर, इस नजर, सब नजर के साथ चुपचाप यहां से चले जाओ। लीव नाउ। सॉरी। जाओ जाओ जाओ। Congratulations, तुम्हारे हस्बैंड ने अवार्ड जीता। ओ आई एम सॉरी, तुम्हारा होने वाला एक्स हस्बैंड। आज तो तुमने मेरे ऋषि के बारे में कुछ बोल दिया, आइंदा से अगर ऐसा किया ना तो उंगली के साथ हाथ भी तोड़ दूंगी। ऑफ कोर्स, जब तुम अपनी फैमिली को तोड़ सकती हो तो तुम किसी को भी तोड़ सकती हो। अरे तुम तो बुरा मान गई। देखो तनुजा, तुम और मैं एक ही बिरादरी के तो हैं। देखो, मैं ऋषि से दो रीजंस की वजह से शादी करना चाहती थी, एक पैसा और दूसरा शेखर का बदला। और तुमने भी ऋषि से इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से शादी की, एक पैसा और दूसरा उस मोटी रानो से बदला। वैसे यू नो व्हाट, You should thank me, कि मेरी वजह से तुम्हारा बदला पूरा हो गया। ना तुम इस घर में आती, ना तुम्हारी ऋषि से शादी होती। वैसे अगर उस दिन मैं शेखर से मिलने ना जाती और राज अंकल मुझे ना देखते तो आज स्टोरी कुछ और ही होती, राइट? रॉन्ग। कहानियां वो लिखता है, जोड़ियां भी वही बनाता है। तो वो जोड़ी जिसके साथ बनाता है, जोड़ी उसी के साथ जुड़ती है। तुम ये बात नहीं समझोगी मलाइका, लेकिन मैं इस दुनिया में सिर्फ ऋषि के लिए आई हूँ। ये जन्म मैंने सिर्फ ऋषि के लिए लिया है। लोग क्या, अगर भगवान भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे ना तो मैं उसे बचा लूंगी। वाओ, डबल स्टैंडर्ड्स। एक तरफ तो तुमने ऋषि की सारी प्रॉपर्टी छीन ली और दूसरी तरफ ये सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही हो। ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम मालकिन बन के तांडव कर रही हो ये तुम्हारा कोई फेक ड्रामा है पूरब से ऋषि की प्रॉपर्टी बचाने का? नहीं नहीं, इससे मेरा प्लान पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ, चोरी पकड़ी गई? मैं इस पूरी दुनिया में केवल दो चीजों से सच्चा वाला प्यार करती हूँ, पहला ऑफ कोर्स पैसा और दूसरा ऋषि। मर गई तो ठीक है, लेकिन जीते जी तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, और ना ही ऋषि, दोनों मेरे हैं। नाउ प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। मैं मर जाऊंगी पर जीते जी किसी जियोगी तो ना? आज तो तुम मरने वाली हो। थैंक यू। किसलिए? मेरी इतनी केयर करने की। मैंने देखा वो लड़का जो मुझे घूर घूर के देख रहा था, उसे कैसे तुमने पार्टी से भगा दिया। बिन कहे बहुत कुछ कह जाते हो तुम ऋषि। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ कुछ होने लगेगा और ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। प्रॉपर्टी? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। बोली थी तुझे ये पार्टी मत दे, तेरा प्यार ऋषि के लिए छलक छलक के बाहर आएगा और उसे पता चल जाएगा। देख लिया, पता चल गया ना? नहीं बीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो उससे बहुत बदतमीजी से बात की, बुरा मान गया है वो, ऐसे झिड़क दिया उसे। हाँ, तेरे झिड़कने से जैसे वो झिड़क जाएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा पीछे पीछे तेरे। काश की सच में वो मेरे पीछे आ जाए और मैं
ये क्या किया? I'm so sorry, आंटी. मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो मैं वो गलती से गलती से नहीं किया है तूने, जानबूझ कर किया है. मार नहीं सकती ना मुझे तो ये जूसी गिरा दिया. हाँ, गिरा गिरा और गिरा मुझ पर. ऐसा कुछ नहीं है, वो सच में गलती से गिर गया. I'm really sorry. I'm sorry. मेरी अरे क्यों दीवार से अपना सिर फोड़ रही है? तू अपना सीना चीर के भी दिखाएगी ना कि तू गलत नहीं है, फिर भी ये नहीं मानेगी. वो ये नहीं सोचेगी कि आज मेरे बेटे की पार्टी है, मैं मेहमानों की खातिरदारी करूँ. बस तुझसे दुश्मनी करेगी. तू ना उसे छोड़, जाने दे. बस इस पार्टी को ना शानदार बना. आज मेरे पोते और तेरे पति का बहुत बड़ा दिन है बेटा. जी बीजी. टेंशन मत लो, लाइट नहीं गई है. इनफैक्ट लाइट तो अब आएगी. वैसे मुझे एक बात बताओ, वो पार्टी भी कोई पार्टी होती है जिसमें कपल डांस ना हो, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहां पर सभी कपल्स इस तरफ आ जाए, अपनी आंखों में आंखें डालें और हो जाए. सो एवरीवन, म्यूजिक. लड़की को मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे रानू आंटी प्लीज शांत हो जाइए, काम डाउन. मेरा बस चले ना तो मैं अभी के अभी इस लड़की को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूं. पता नहीं क्या समझती है अपने आप को. मैं बहुत नफरत करती हूँ उससे, एक फूटी आंख नहीं भाती है मुझे. पता है राहु बनकर के ना मेरी कुंडली में बैठ गई है. नौकरानी की औकात और मालकिन बोलती है इस घर की. पता तुझे इसने पूरब को इस पार्टी में क्यों बुलाया? ताकि वो मुझे नीचा दिखा सके कि देखो देखो रानो आंटी, ये आपके पति की नाजायज औलाद है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी. अब मैं ऐसा दांव खेलूंगी यह तनुजा खुद अपनी खुशी से, अपने मन से, अपने हाथों से सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगी और खुद अपने मन से ये घर छोड़ करके चली जाएगी. ऋषि अभी तो यही था, कहाँ चला गया? ये जरूर अपने ऋषि को ढूंढ रही होगी कपल वाले डांस के लिए. सुन, मैं अभी आई. यार तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? काम करो काम. ऑलराइट सर. वो सामने जो आदमी खड़े हैं हाँ, वो मेरे बड़े खास मेहमान हैं. यस सर. उनका ड्रिंक खाली है, उनको ड्रिंक सर्व करो. ओके सर. मेरी नजर रहेगी तुम पर. ऑलराइट सर.
कमाल का बंदा है यार। ये मेरे बुढ़े बाप को भी अभी आना था। ये तनुजा कहाँ गई? क्या है? क्या है? नहीं मतलब क्या है? क्या है? तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा क्या है कि मैं हमेशा तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूं? हमारा प्यार जो हर जन्म मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी तरफ ले आएगा। अब देखो ना, मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करती हूँ, फिर भी तुम मुझे माफ कर देते हो। ये प्यार ही तो है। क्या? क्या? तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है कि ऐसा क्या है जो जैसे कि मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आता हूं। क्या है? सर देखो तो। एनीवेज ये सब बातें छोड़ो, जस्ट फॉरगेट ऑल। कैसा रहेगा अगर हम कपल डांस करें? मुझे तुम्हारे साथ कोई डांस वांस नहीं करना, प्लीज। ऋषि प्लीज, मुझे फ्लोर पे ले चलो, मुझे करना है तुम्हारे साथ डांस। अरे ये क्या किया तूने? तेरा पति तुझे इतने प्यार से डांस करने के लिए कह रहा था और तू उसे बेरंग ही जाने दे दिया। तो हमें क्या कर दी बीजी? मैं उसके पास जितना करीब जाऊंगी ना, उसको सब कुछ पता चल जाएगा। वो समझ जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये सब एक नाटक है और बट मैंने कहा था कि तू पार्टी मत दे, पर तू तो बस मैं दूंगी। अब चल, पार्टी दे ही दी है ना, तो टेंशन को मार गोली और अपने पति की पत्नी बनकर जा उसके साथ डांस कर, अपनी जिंदगी जी ले। डांस करो, जल्दी जा। Shall we dance? प्लीज मिस्टर हस्बैंड। अब मिस्टर हस्बैंड डांस करने के मूड में नहीं है, सॉरी। ओह आई सी, एंड नाउ यू विल सी। हेलो देखो याद रखना, तुम मुझे जबरदस्ती डांस करने के लिए लेकर आई हो। अरे घर में इतनी बड़ी पार्टी है और तनुजा मिस्टर हस्बैंड के साथ डांस ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों, पहले जब मैंने पूछा कि डांस करोगी तो कहती नहीं मैं डांस नहीं करूंगी। तो अब क्या हुआ? हा? क्योंकि तब मेरा मूड नहीं था, अब मेरा मूड है। गुड, तो एक काम करो, थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोलो। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोलूं? जबरदस्ती तो डांस फ्लोर पे मैं तुम्हें लाई हूं। देखो जबरदस्ती पार्टी के पहले मतलब तुम्हारा जिप खुल गया था, मैंने सेवन किया, तो थैंक यू तो बनता है। एग्जैक्टली, जबरदस्ती की सॉरी तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मुझे जानबूझ के छुआ। मैं कोई सड़क छाप रोमी हूँ जो हर किसी लड़की को टच करता है? हाँ वही हो तुम। वैसे भी सिपन करना कोई पहाड़ तोड़ने का काम नहीं है,
और तुम्हारे अलावा तो कोई भी जिप बंद कर देता। थैंक यू बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखो चुपचाप थैंक यू बोल दो। देखो चुपचाप थैंक यू बोल दो, आखिरी बार कह रहा हूं। क्यों, क्या करोगे? जब तक नहीं किया। अच्छा जैसे? जैसे इल्जाम तुमने पहले लगाया, गुनाह मैं अब करूंगा। जाओ जाओ, किसी को बोलो जिप बंद कर दे, उसे थैंक यू भी नहीं बोलना पड़ेगा। जाओ जिप बंद करो। पहले सॉरी कहो। जिप बंद करो। सॉरी। अखियों से गोली मत मारो। सॉरी बोल दो, आखिरी बार कह रहा हूं, सॉरी बोल दो। नहीं बोलोगे? फाइन। तुम एक बहुत घमंडी और इगोइस्टिक लड़की हो जो सॉरी भी नहीं बोल सकती। रानो आंटी बीना, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। मुझे बोला पार्टी एंजॉय करो और खुद कमरे के अंदर बंद होके बैठ गई है। खैर हेलो, इसने मुझे देखते ही फोन काट दिया। कुछ तो गड़बड़ कर रही है ये 5 फुटी। मुझे ना एक फोन करना है, बहुत जरूरी है। दे दे। पिजी, वो मेरा फोन ना अब डेड हो गया। देखिए डेड। पिद्दी झूठ बोले, बीजी काटे। अच्छा जा, पार्टी एंजॉय कर, जा। बीजी चलो डांस करते हैं। डांस? तुम्हें याद है तुम पहले कैसे डांस करती थी, ऐसे बाहों में बाहें ढाल के? याद है? मुझे कुछ याद नहीं, मैं सब भूल गई हूँ। ठीक है, वैसे बात तुम्हारी सही है यार, मैं अब वो बात नहीं है। नहीं मतलब वो मेरी जो तनुजा थी ना, वो पहले वाली बहुत प्यार करती थी मुझसे, उसमें वो बात थी। तुम ओके ओके ओके, कौन सी बात थी? क्या मतलब क्या है? मैं भी डांस कर सकती हूं। नहीं तुम डांस नहीं। मैं डांस कर सकती हूं। आई डोंट थिंक सो, यहां पे किसी को लगता नहीं तुम डांस कर सकती हो। तो देख लेते हैं। तो दिखाओ फिर। म्यूजिक म्यूजिक। तनुजा तनुजा तनुजा, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना बेटा? नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। मेरी कान कहां चली गई? तुम्हें लगी तो नहीं? ठीक ठीक हो ना? मैं ठीक हूं सर, गिरते गिरते बच गया मैं। तो ये वेटर, ये वहां ऊपर भी था और यहाँ नीचे भी, ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये तनुजा को घूर क्यों रहा था? अरे I'm absolutely fine.
आप लोग प्लीज जाके पार्टी एंजॉय कीजिए ना। जॉन ये सब साफ कर दो। मैंने तुमसे कहा था कि आदमी यूजलेस है। सारा का सारा प्लान फ्लॉप हो गया। प्लीज आओ। फिर तो नहीं गिरा दोगे? I'm sorry, वो पता नहीं बैलेंस कैसे बिगड़ गया। I'm sorry, आओ प्लीज संभल के। ज्यादा नहीं लगी? जा, पानी पी लो। थैंक यू। अब कैसा फील हो रहा है? बेटर? मैं ठीक हूँ ऋषि। और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या? अब इसमें अच्छा क्या है यार? तुम कभी कभी इतनी अजीब बातें करती हो। तुम यहीं बैठो, बस में अभी आए। वो मनप्रीत से कुछ बात कर ली। हाँ बीच में आ गया यार। हाँ? कौन, क्या हुआ, क्या? वो वेटर यार, जो तनुजा जिस वेटर पे फिसली थी ना, वो जो गिरा था। हाँ? कुछ ठीक नहीं यार। वो पता है बहुत ही अजीब नजर से वो मुझे देख रहा था, फिर वो तनुजा घूर रहा था। पर कुछ ठीक नहीं ऋषि भाई, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे वो था, वो मुझे देख के भाग गया यार, मैं उसके पीछे भागा। वो अरे भाई टेंशन मत लो आप, वो भाग गया ना, मैं उसके बॉस को बोल के ना उसको भगा दूंगा यहाँ से। आप टेंशन मत लो। ओके ठीक है। ओके मैं तो कहता हूँ कि तुम भी जाओ। तुम्हारे उस प्रोफेशनल किलर का प्लान तो फ्लॉप हो गया और हम दोनों वहां। अमरीश कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, वो अभी भी यहीं है। चलो अंदर, अब लेट्स गो। एक मिनट, उसी का फोन है, बात करो। अमरीश ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? ऐसे जैसे देख रहे हो। क्यों? डर है तुम्हें कि तुम्हें प्यार हो जाएगा? मुझे ऐसे देखो वैसे देखो जैसे भी देखो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो। एम्प्लॉय को जिस नजर से भी देखो वो एम्प्लॉय रहता है, और तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हारी मालकिन। बॉस अमरीश की गन वहां उस टेबल के नीचे गिरी है जहां पर तनुजा गिरी थी। बोलो उसको जाके ले ले। वो नहीं ले सकता, उसे लग रहा है कि ऋषि को उस पर शक हो गया। मैं ही उसे वो गन देनी पड़ेगी ताकि वो फटाफट अपना काम करके निकल जाए। लेकिन वहां तो वो दोनों बैठे हैं, कैसे गन कैसे लेंगे हम? रुको मैं कुछ करती हूँ।
ओ गॉड, क्या क्या करना पड़ रहा है। चूहा कहाँ? मेरे पैर को चूहा था, कहाँ पैर को? दीदी चूहा नहीं हो सकता, अगर ये टेबल क्लॉथ हट गया तो ये गन सबको दिख जाएगी। तू? मैंने तो सोचा था चूहा है, ये तो चूहिया निकली। कौन है? निकलो तुम बाहर, निकलो वरना तुम्हारा बाहर। तुम टेबल के नीचे क्या कर रही थी? यहां वहां क्या देख रही हो? जवाब दो। टेबल के नीचे क्या कर रही थी? हाँ तुम। बीजी के पांव छू रही थी मैं। माफी मांगना चाहती थी बीजी आपसे। अब ऐसे सबके सामने आके पांव छूती तो आप कभी मुझे माफ नहीं करती, तो मैंने सोचा कि ऐसे इनडायरेक्टली टेबल के नीचे से माफी मांग के निकल जाऊंगी। बीजी आप मुझे आशीर्वाद देंगी ना, ताकि मैं सुधर सकूं? कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? टेढ़ी जा, पार्टी में कहीं भी जा, पर मुझे ना अपनी ये शक्ल मत दिखा। मलाइका और माफी? नहीं, हो ही नहीं सकता। ये जरूर टेबल के नीचे कुछ और ही कर रही थी। पर क्या? तनुजा, तनुजा रुको। रुकने का टाइम नहीं है। छोड़ो, ऋषि गेस्ट आ रहे। तो आने तो मुझे किससे डर लगता है क्या? मुझसे तो डरो नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हारी ना से डर लगता है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए ना, मतलब तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती? नहीं। अच्छा,